सभी को नमस्कार। आइए आज आप सबको एक प्राचीन पहाड़ी किले की यात्रा पर लिए चलते हैं। यह वह किला है जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा हुआ है। लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है बनारस से रॉबर्ट्सगंज में। रॉबर्ट्सगंज से यह किला लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। इस सैटेलाइट इमेज में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके चारों ओर घने जंगल एवं छोटी पहाड़ियाँ हैं। रॉबर्ट्सगंज से लगभग 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इस किले की जो अप्रोच रोड है, लास्ट के लगभग आधे से पौन घंटा जंगल और खुले घास के मैदानों से होकर के इस किले को पहुँचा जा सकता है। जब किले के पहले दर्शन होते हैं तो वाकई में एक ही फीलिंग होती है, वाव। इस किले पे चढ़ने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, रुक रुक करके आराम से भी आप चढ़ सकते हैं। हम लोग 2018 में यहाँ गए थे, हमारे साथ डॉक्टर राजन श्रीवास्तव, अंजलि, वीरेंद्र, कृष्णा और मेरा बेटा अथर्व। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है किले के ऊपर से, क्योंकि ये पहाड़ी ऊंचाई पर ही स्थित है। लगभग 500 फीट ऊंची ये पहाड़ी है। किले के अंदर की जो चट्टाने हैं, उनके जो रंग और उनके जो टेक्सचर्स हैं, वो वाकई अद्भुत हैं। किले के अंदर 3 से 4 तालाब हैं। यहाँ पर यह किला, ये जो दृश्य आप देख रहे हो, ये चंद्रकांता के महल का, चंद्रकांता का ये महल था। इसी ज़माने में कितना खूबसूरत रहा होगा ये, पर अब समय की मार ने इसे भी धराशायी कर दिया है। और पता नहीं कितने दिन तक ये खड़ा रहेगा, कब ये खंडहर में पूरी तरह तब्दील हो जाएगा, नहीं पता। इस पूरे वीडियो में हम आप लोगों को इस किले के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। रास्ते के जो गांव हैं उनके दृश्य दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर गांव थे। यह महल वाकई बहुत सुंदर था। देवकी रंजन खत्री जी के उपन्यास में इस महल का विस्तृत वर्णन है। ये जब हम लोगों ने अपना सफ़र चालू किया था बनारस से रॉबर्ट्सगंज के लिए, तो टेंगड़ा मोड़ पे हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त जाम था। काफ़ी समय यहाँ पर लगा, पर जैसे जैसे हम इस जाम को पार करते हुए आगे बढ़ते गए रॉबर्ट्सगंज की तरफ, रास्ता बहुत ही सुंदर होता गया। हल्की बारिश की फुहारें भी थी, सब कुछ बहुत सुंदर था। अरोरा होते हुए फिर लखनिया दरी के मार्ग से जब आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये अरोरा डैम भी रास्ते में पड़ता है। इसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कई सारे जलप्रपात, चूनादरी का भी जलप्रपात रास्ते में आता है जिसे देखा जा सकता है। सड़क के बाएं तरफ पूरी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्थान है। अब ये जब हम रॉबर्ट्सगंज से आगे बढ़ते हैं तो रोड 4 लेन नहीं रहती, 2 लेन रोड हो जाती है। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, पर रोड बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर छोटे प्यारे गाँवों के थ्रू होकर के ये रोड गुजरती है। बहुत सारे गाँव रास्ते में आते हैं। भारतीय गांवों का जो सीधा साधा जो जीवन है, खेती आधारित, वो पूरा रास्ते भर हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ जाने के लिए जो उपयुक्त समय है वो मुझे लगता है कि जाड़ों का ही है, खासकर यदि हम नवंबर में जाएं या फिर फरवरी मार्च में जाएं। बरसात में भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ की जो हरियाली है, जो किले से हरियाली देखने मिलती है, वो अपने आप में अद्भुत है। बनारस के आसपास जो ज़िले हैं, विशेषकर सोनभद्र, चंदौली और मिर्ज़ापुर, इन ज़िलों की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने आप में अद्भुत है। बनारस जो कि एक अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, पर बनारस की भीड़ भाड़ से जब हम बाहर निकल जाते हैं और इन गांवों में पहुंचते हैं, चंद ही घंटों के अंतर पे सब कुछ इतना बदला हुआ दिखाई देता है। बहुत सुंदर जगह हैं यहाँ, खूब सारे जलप्रपात हैं इन जिलों में, सुंदर छोटी पहाड़ियाँ हैं, खूब सारी नदियाँ हैं जिसमें सोन नदी, करमनाशा नदी, इसके अलावा कई सारे डैम्स और लेक्स भी हैं इन रास्तों में। तो ये पूरी जगह, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है इस जगह को। यहाँ लोग कैसा थोड़ा सा ये रोक के पानी पीते हैं इन लोग घर पे।
विजयगढ़ के रास्ते में जब आप जाते हैं फोर्ट के रास्ते में, तो रॉबर्ट्सगंज के बाद कहीं बहुत कोई भी जगह खाने की नहीं मिलती है, तो खाने का सामान और पिकनिक के लिए जैसे जो चीज़ें हैं वो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ नहीं मिलता है। विजयगढ़ किले पर अभी वहाँ पे पर्यटन बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं हुआ है। रॉबर्ट्सगंज से निकले लगभग एक घंटा हो रहा था और हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी किले के पहुँचने के लिए। रास्ते में छोटे छोटे गांव हमारा मन बहुत ही आनंदित कर रहे थे। अब हम लोग रास्ते में पड़ने वाले धंधारौल डैम पर पहुंच गए थे। डैम का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। यह डैम घग्गर नदी पर स्थित है और यहाँ से रॉबर्ट्सगंज के लिए पीने का पानी भी सप्लाई होता है। यह नहर डैम से निकल के जा रही थी। 1916 में यह डैम बनाया गया था। बहुत ही सुंदर डैम था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। अभी लगभग एक घंटे का सफ़र और था, तो कुछ समय हम लोग डैम पर गुजारने के बाद डुमरिया होते हुए यहाँ से आगे की यात्रा अपनी हम लोगों को चालू करनी थी। हम लोगों ने कुछ फोटोज़ खींची और अपनी खिंचवाई भी। ग्रामीण जीवन चारों तरफ, जो ग्रामीण जीवन की जो खुशबू थी वो चारों तरफ बिखरी हुई थी। पूरा संभाल के ले जा रहे बेचारे, तो हो नहीं पा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, आबादी कम होती गई और जंगल का रास्ता सा चालू होता गया। हल्की हल्की पहाड़ियां भी अब दूर में दिखने लगी थी। ये कैमूर की पहाड़ियां हैं। ये जो पूरा उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है, इसमें कैमूर और विंध्याचल की पहाड़ियों के होने की वजह से जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये छोटी पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय से भी पुरानी हैं। घुमावदार सड़कें थीं, एकदम खाली रास्ते थे। जंगलों में कभी बाघ और शेर भी खूब पाए जाते थे, पर अब इनमें तेंदुए, भालू, लकड़बग्घे, हरिण ये तो पाए जाते हैं, लेकिन अब बाघ और शेर नहीं है यहाँ पे। दूर दूर फैले हुए गांव हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। ऊबर खाबड़ रास्ते कहीं कहीं थे, अदरवाइज रोड बहुत अच्छी है। इस तरह हम लोग धीमे धीमे विजयगढ़ किले के नज़दीक पहुंच रहे थे और दूर वो किला कहीं हम लोगों को हल्का हल्का दिखने भी लगा था। इतनी ऊंचाई पे बनाया हुआ है, आमेर फोर्ट वगैरह भी है, बट वहाँ पे इतना आसान है जाना है, वो भी ऊंचाई पे तो आना ही मुश्किल है। उतर करके किले को देखने की खुशी में अपनी खुशी जाहिर की। कुछ समय हम लोग उतर करके चारों तरफ के मैदानों में गुजारा हमने। पानी पीती हुई गायें बहुत ही प्यारी लग रही थीं। हम लोगों का भी अब विजयगढ़ किले पहुंच करके सफ़र ख़त्म हुआ और अब विजयगढ़ के किले की जो हम लोग को चढ़ाई चढ़नी थी,
हम लोग भी काफ़ी प्यासे और भूखे थे, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ गर्म पकौड़ियाँ और चाय पी और साथ ही अपनी प्यास बुझाई, अपने साथ लाया हुआ नाश्ता और यहाँ की पकौड़ियाँ खाई, और उसके बाद फिर हम लोग आगे किले पर चढ़ना चालू किए। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, चारों तरफ का नज़ारा और खूबसूरत होता जा रहा था। दूर दूर तक कैमूर की पहाड़ियां दिख रही थी। इसके उस पार आगे फिर सोन नदी भी है, और सोन नदी के उस पार फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ की जगह आ जाती है। यह किले का पहला द्वार था। यह किला का इतिहास पूरी तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ वहाँ पर मिला, पर जितना मैंने सर्च किया और उसे जो मुझे समझ में आया, लगभग 1040 ईस्वी में यह किले का शायद निर्माण हुआ था। महाराजा विजयपाल ने शायद इसका निर्माण कराया था, पर कहते हैं कि इस किले के नीचे भी एक किला और स्थित है। सच्चाई क्या है किसे भी नहीं पता। किला जब हम लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए तो वहाँ पूरा जो पहाड़ी का जो सतह थी वो पूरा फ्लैट मैदान था, दूर तक ऊबड़ खाबड़ था, कई जगह उसमें पुराने किले के अवशेष मिल रहे थे, बड़े बड़े तालाब थे जो कि जिनमें पानी कभी नहीं सूखता। किले की जो चार दीवारी थी वो बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, कहीं कहीं वो बनी हुई थी। इस किले को एक बार रिनोवेट कराया गया था, ऐसा कहते हैं कि 1040 में महाराजा विजयपाल जी ने इसको एक बार रिनोवेट कराया था। अब किला उन्होंने बनवाया था या किला उसके पहले किसी और ने बनवाया था नहीं पता। यह वह तालाब है जहाँ पर कि पानी कभी भी नहीं सूखता, शायद किले में रहने वाले लोग यहाँ से पानी पिया करते होंगे। किले की जो चट्टाने हैं अंदर की वो बहुत ही खूबसूरत हैं, कहीं कहीं हम लोगों को पेड़ दिख रहे थे। एक दो जगह हम लोगों को गहरे कुएं भी दिखाई दिए। कुछ समय हम लोग सुस्ताए क्योंकि हम लोग काफी थक गए थे, तो एक पेड़ की छांव में हम लोग थोड़ी देर बैठ करके हम लोग ने रेस्ट की, उसके बाद आगे फिर हम लोग फिर निकल पड़े। इस किले पे बाद में शेरशाह सूरी ने और फिर बलवंत सिंह जी ने भी शासन किया। राजा चेत सिंह जो थे बनारस के, जो महाराजा थे, वो इस किले के शायद अंतिम महाराजा थे। उसके बाद फिर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया इस किले पर। पर ये जो कहते हैं कि इस किले के नीचे एक और किला छिपा है, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी लिखित तो नहीं मिली। किले से दृश्य बहुत ही सुंदर हैं। दूर में वो डैम, धंधारौल डैम भी दिखाई देता है। बारिश के समय कहते हैं यहाँ का नजारा अद्भुत होता है, चारों तरफ पानी पानी से भरा दिखाई देता है। अब तो किले के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, पर इन्हें देख करके लगता है कि किसी जमाने में जब यह किला अपने पूरे शान और शौकत से खड़ा होगा तो कितना अद्भुत और मनोरम दृश्य रहता होगा इस पहाड़ी का, कितनी जीवंत रही होगी ये पहाड़ी। पर अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है और जैसा कि यहाँ कोई देख रख रखाव नहीं है, लगता है कि कुछ सालों बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ एक मज़ार है सैयद जैनुल अब्दीन मीर साहब की, जिन्हें कि हजरत मीरान शाह बाबा भी कहते हैं। इस मज़ार के एक तरफ मीरा सागर और राम सागर नाम के दो तालाब भी हैं जिनका कि पानी कभी भी नहीं सूखता। हम लोग किले की चार दीवारी पर चढ़ते हुए चारों तरफ के नज़ारे का आनंद लेते रहे। बहुत गहरी खाई, कैसे बनाया गया होगा इस किले को सोच करके आश्चर्य होता है।
उस वक्त कितने घने जंगल रहे होंगे चारों तरफ। आज तो बहुत खेती भी होने लगी, पर उस जमाने में तो ना जाने कितने घने जंगल और कितने तरह के खूंखार जानवर रहते होंगे उन जंगलों में। फिर हम लोग यहाँ पे रंग महल पहुंचे। रंग महल कहते हैं कि ये प्रिंसेस चंद्रकांता का किला था। चंद्रकांता की कहानियाँ हम सब ने देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास में पढ़ी ही हैं। बहुत ही सुंदर ये महल था अपने ज़माने में, ना जाने ये कितना खूबसूरत रहा होगा। अब तो हर जगह फोटोग्राफी का लुत्फ उठाते उठाते हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे। किले में हम लोगों ने करीब 3 से 4 घंटे का समय गुजारा। यह एक और महल था किले के अंदर, इसके बारे में भी कोई इतिहास में क्या था ये और किसने बनवाया था कहीं कोई वर्णन नहीं था वहाँ पर। समय कितना बलवान होता है, जब इन पत्थरों को देखते हैं तो एहसास होता है कि समय के साथ सब चीज कैसे वक्त के साथ खत्म हो सकती है। किले का आनंद करने के बाद हम लोग फिर अब अपनी वापस की यात्रा पर निकले। हम लोगों को वापस रॉबर्ट्सगंज होते हुए बनारस जाना था। पर ये पूरा स्थान बनारस के आसपास की ये जो पूरा स्थान है ये अद्भुत है। कई प्राचीन किले हैं यहाँ पे, चुनार का किला, अघोड़ी किला जो कि रॉबर्ट्सगंज चुर्क से एक रास्ता जाता है सोन नदी के किनारे स्थित अघोड़ी किला, रामनगर का फोर्ट जो कि बनारस में है ही है, नौगढ़ में भी एक किला है जो कि करमनाशा नदी के किनारे स्थित है। मुंडा जी के किनारे स्थित चुनार का किला, ये सारे किले देखने लायक हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, सिद्धनाथ की दरी, राज दरी, देव दरी, चूना दरी, लखनिया दरी, टांडा फॉल्स, मुक्खा, सिरसी, विंडम, चांद पत्थर, बहुत सारे फॉल्स हैं यहाँ पे। बहुत से रिजर्वेयर्स हैं जहाँ हम जा सकते हैं, डुंगिया, भंसारा, नौगढ़, रिहंद डैम, अरोरा, छत्तीसगढ़ का डैम, खजूरी, हिनौटी, ढंडारौल, सिरसा, मुस्खंड, चंद्रप्रभा डैम। अब हम लोग रॉबर्ट्सगंज की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं और रॉबर्ट्सगंज का बाजार है जहां हम लोग कुछ देर रुके। हरीश जी से हमारी मुलाकात हुई यहां पर, जिन्होंने हम लोगों को बहुत गाइडेंस की इस पूरे ट्रिप में, हम लोगों की ट्रिप बनाने में। तो आप सब लोग इस जगह, खूबसूरत जगह को घूमने जाइए, प्रकृति का ध्यान रखिए, प्रकृति को एंजॉय कीजिए, प्राचीन किलों को एंजॉय कीजिए।